अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में आरएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आज तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय टीम जीते तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी वनडे सीरीज चल रही है जहां पर भारतीय टीम को आज तीसरा वनडे मुकाबला खेलना है। तो ऐसे में दोस्तों इस तीसरे वनडे मुकाबले को भारतीय टीम को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जहाँ पर भारतीय टीम अगर इस मुकाबले को जीतती है तो वो आज इस सीरीज को भी अपने नाम करेगी। लेकिन अगर भारतीय टीम को आज हार मिल जाती है तो भारतीय टीम इस सीरीज को भी अपने हाथों से गंवा देगी। तो ऐसे में दोस्तों आज जो तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाने वाला है वो बहुत ही ज्यादा निर्णायक और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वही हम आपको बता दें कि जो दूसरा वनडे मुकाबला था वो 17 जनवरी को खेला गया था जहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 340 रन बनाए और वहीं जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 304 रन ही बना पाई, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को 36 रनों से हार गई थी। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि आखिरकार तीसरे वनडे मुकाबले को कौन जीतेगा। तो वही पहला वनडे मुकाबला था वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम को 10 विकेट से हराया था। तो वही हम आपको बता दें कि ये जो अंतिम वनडे मुकाबला और निर्णायक मुकाबला खेला जाने वाला है वो आज बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच 1:30 बजे से शुरू होगा। तो आप सभी 1:30 बजे से इस मैच का लाइव प्रसारण भी देख सकेंगे और अगर आपको इसका सीधा लाइव प्रसारण देखना है तो आप हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स और जियो टीवी पर इसको देख सकते हैं। तो वही दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम में आपको दो बड़े बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। जो पहला बदलाव होगा वो श्रेयस अय्यर की जगह पर केदार जाधव को जगह मिल सकती है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। वही हम आपको बता दें कि केदार जाधव एक बहुत ही ज्यादा शानदार ऑलराउंडर है जबकि रविंद्र जडेजा की जगह पर युजवेंद्र चहल को टीम में मौका दिया जा सकता है। तो आज भारतीय टीम में आप सभी को ये दो बड़े बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वहीं बात करें ऋषभ पंत की तो दूसरे वनडे मुकाबले से ही ऋषभ पंत गायब है क्योंकि वो चोटिल हो गए थे, उनके सर पर चोट लगी थी जिसके कारण वो आज भी तीसरे वनडे मुकाबले से बाहर रहेंगे। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भारत की प्लेइंग 11 टीम क्या है आज के मुकाबले में। तो दोस्तों जो भारत की प्लेइंग 11 टीम है वो ये है, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, लोकेश राहुल, मनीष पांडे, केदार जाधव, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। तो इसमें दोस्तों आपका क्या ख्याल है, आज तीसरा वनडे मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।